Dear students, now we are going to start the first chapter of class 6, that is math. The subject is math. The first chapter is number system. Before starting the chapter, we have to learn some important points, that is notations. Writing a number in figures is called notations. किसी नंबर को जो है फिगर में लिखने का जो मेथड्स होता है, जैसे हम ये नंबर लिख रहे हैं 64, 32, ये 19, ये कोई भी हम नंबर लिखें, उस नंबर को लिखने का जो मेथड्स होता है उसी मेथड्स को हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उसी मेथड को बोलते हैं नोटेशंस। द नेक्स्ट इज न्यूमरेशन। स्टूडेंट्स, राइटिंग द नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। जैसे ये 64 है, इस 64 को अगर हम वर्ड्स में लिखे 64, दिस मेथड्स इज नोन एज न्यूमरेशन। किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखने का जो मेथड्स होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिट। स्टूडेंट्स, इन हिंदू अरबिक सिस्टम वी यूज 10 सिंबल, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ईच ऑफ देम इज नोन एज डिजिट। इसमें से प्रत्येक को हम बोलते हैं डिजिट। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम जो है इन्हीं में से किसी न किसी जो है डिजिट का यूज करते हैं। ईच ऑफ देम इज नोन एज डिजिट। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूमरल्स। अ ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। सपोज स्टूडेंट्स, 6 and 4 आर द डिजिट्स, और ये डिजिट जो है, इस डिजिट का ग्रुप जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर है 64, तो 64 इज द न्यूमरल। यानी जो ये जो होता है न्यूमरल्स, न्यूमरल इज द ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग द नंबर। द नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे ये पीरियड्स के बारे, जो फिफ्थ क्लास में जो है हम लोग देख चुके हैं। किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले उसका पीरियड समझना जरूरी होता है। इस क्लास में, क्लास 6 में जो है पीरियड्स को जो है वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़ और ये अरब आगे जो है वैसे ही जो है पीरियड में देखना है। तो यहाँ पे वंस जो पीरियड है, इस फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड को वंस करते हैं, सेकेंड को थाउजेंड, लाख, थर्ड को लाख और फोर्थ को करोड़, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वंस पीरियड को 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वंस को 3 सब ग्रुप्स में और बाकी जितने भी सारे पीरियड्स है सबको जो है 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वंस को, वंस का जो सब ग्रुप्स है वो है वंस, टेंस, हंड्रेड, और फिर थाउजेंड का जो सब ग्रुप है वो है थाउजेंड, 10,000, और लैक्स का जो सब ग्रुप है वो है लैक्स, 10 लैक्स, उसी तरह क्रोर्स का होगा क्रोर्स, 10 करोर्स। स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले के पीरियड को समझना बहुत जरूरी होता है। सपोज द नंबर इज दिस 6, 9, 6, 9, 2, 3, 4, 2, 3, 4। इस नंबर को अगर स्टूडेंट्स हमें वर्ड्स में लिखना हो तो वर्ड्स में लिखने के लिए एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे, ये थाउजेंड्स ग्रुप है। थाउजेंड्स ग्रुप में हमें कितना मिला हुआ है, थाउजेंड्स ग्रुप में दिया हुआ है 69, हम लिखेंगे 69,000, और वंस में दिया हुआ है 234। तो इसको अगर वर्ड्स में लिखना होगा, ये फर्स्ट नंबर को अगर वर्ड्स में लिखना होगा तो लिखेंगे 69,234। उसी तरह जो है ये दो सेकेंड में जो दिया हुआ है, सेकेंड वाले को अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो यहाँ थाउजेंड्स ग्रुप में सिर्फ 6 है और वंस ग्रुप में ये तीनों डिजिट्स है। तो इसको अगर हमें लिखना होगा वर्ड्स में तो लिखेंगे 6,908। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड नंबर है, सीरियल नंबर जो थर्ड है, इसमें ये जो नंबर दिया हुआ है 938920, अगर इसको हमें वर्ड्स में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 9 जो है लैक्स ग्रुप में आया, थाउजेंड्स ग्रुप में 38 आया और वंस ग्रुप में ये आया। तो अगर हमें लिखना होगा तो लिखेंगे 9,38,920। अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा वर्ड्स में तो लिखेंगे यहाँ पे जो है सबसे पहले ये राइट साइड से ये इंडियन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग है, इंडियन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो है 3 डिजिट के बाद जो है कमा देते हैं, उसके बाद जो है हमेशा 2-2 डिजिट के बाद ही कमा देते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये जो है वंस का पीरियड हो गया, ये थाउजेंड्स का पीरियड हो गया, तो थाउजेंड्स में कितना आ गया 69, तो लिखेंगे क्या 69,000, 69,000, और ये हो गया वंस पीरियड में आया 234, तो लिखेंगे 234, This is the method of writing of what in words. The next is 6908. अगर इसको हमें words में लिखना होगा तो लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये ones में जो है 908 आया और ये thousands में 6 आया, तो इसको लिखेंगे 6908. सपोज अगर ये कोई बड़ा नंबर मिल जाए हमें, सपोज ये कोई बड़ा नंबर है, इसको अगर वर्ड्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है थ्री डिजिट के बाद राइट साइड से थ्री डिजिट के बाद कमा देंगे, उसके बाद दो दो डिजिट के बाद कमा देंगे. तो हमने देखा ये हो गया वंस का ग्रुप, ये हो गया थाउजेंड्स का ग्रुप, ये हो गया लैक्स का ग्रुप, और ये आगे आया तो हो गया क्रोर्स का ग्रुप. तो अगर हमें लिखना होगा इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो क्रोर्स के ग्रुप में कितना 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 6 crores, और यहाँ पे देखेंगे ये लैक्स के ग्रुप में कितना 92, तो लिखेंगे 92 lakhs, और ये थाउजेंड्स के ग्रुप में कितना 86, तो लिखेंगे 86,000, और एक वंस के ग्रुप में आया 846, तो लिख देंगे यहाँ पे 846. तो ये हुआ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम कमा के द्वारा डिजिट को कैसे सेपरेट करते हैं, पीरियड को कैसे सेपरेट करते हैं, और उसको जो है वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो फिर आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम में जो है हम पीरियड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, कमा के द्वारा पीरियड को कैसे सेपरेट करते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम ये जो नंबर दिया हुआ इस नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू सी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. जस्ट हमने पहले जो है देखा है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अब देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ये हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तरह ही जो है इंटरनेशनल सिस्टम का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. ये पूरे वर्ल्ड के लोगों के द्वारा समझ लिया जाता है, सो ये पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. देखेंगे स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमने एक चार्ट बनाया है. इस चार्ट में जो है ये चार्ट जो है ये लगभग जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के चार्ट के अकॉर्डिंग है, बट जो है इसमें माइनर डिफरेंस है. हमने जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वंस ऐसे लिखा था, इसमें भी वंस पीरियड है, थाउजेंड पीरियड्स उसमें भी था तो थाउजेंड पीरियड इसमें भी है, बट उसमें लैक्स पीरियड था इसमें मिलियन पीरियड है, और उसमें क्रोर पीरियड्स था और इसमें बिलियन पीरियड्स है. और साथ में ये भी डिफरेंस है, यहाँ पे ये वंस को थ्री सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उसमें भी थ्री सब ग्रुप में डिवाइडेड था, और यहाँ थाउजेंड जो है थ्री सब ग्रुप में डिवाइड है बट उसमें जो है दो ही सब ग्रुप में डिवाइड था. इधर हमने जितना भी सब देख रहे हैं सबको जो है हमने थ्री सब ग्रुप में डिवाइड किया है. तो ये जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के चार्ट में डिफरेंसेस है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी नंबर को जो है हम ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं और उसको रीडिंग कैसे करते हैं और वर्ड्स में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो स्टूडेंट ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, इस फर्स्ट नंबर को अगर रीडिंग करना हो तो रीडिंग कैसे करेंगे? तो रीडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा अगर पीरियड को समझा जाए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिलियन पीरियड, तो बिलियन पीरियड में स्टूडेंट्स कितना है 69, तो हम बोलेंगे 69 बिलियन. मिलियन पीरियड में कितना है 237, तो बोलेंगे 237 मिलियन. 237 क्यों नहीं, 237 मिलियन. थाउजेंड पीरियड में कितना है, थाउजेंड पीरियड में ये तीनों को मिलकर के 82 ही हुआ, तो 82,000 बोलेंगे. और वंस पीरियड में स्टूडेंट कितना है 268, इसको लास्ट में लिख देंगे 268. इस तरह इसका अगर हम जो है शुरू रूप से जो है इसको हम अगर रीडिंग करें तो बोलेंगे 69 बिलियन, 237 मिलियन, 82,000,
268। सेम वैसे ही जो है अगर हम इसमें आए इस सेकंड नंबर में आए तो सेकंड में 296,854,869,296 ये सेकंड का हो गया, और ये हुआ थर्ड का 848,560,000,000, और ये तीनों से मिलकर के 20 बना, ये 20 तो लिखेंगे 20,000 और इन तीनों से मिलकर के 82 आया तो 82 केवल लिखेंगे, लास्ट में वंस नहीं लिखना है, केवल 82 लिख देंगे तो छोड़ेंगे। अगर हम इसको जो है कमा के सेपरेशन के द्वारा समझाए तो स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट है 692370822268 ये जो है नंबर, इसको अगर हमें ये वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना हो तो वर्ड्स में रिप्रेजेंट करने से पहले हम कमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, तो कमा के द्वारा हम पीरियड को सेपरेट करेंगे। स्टूडेंट्स हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो है ये राइट साइड से पहले हम 3 डिजिट को सेपरेट किए थे, तो इसमें भी 3 और उसके बाद जो है उसमें 3 डिजिट के बाद हमेशा 2 डिजिट को सेपरेट किया गया था, बट इसमें जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को लिखते समय हमेशा जो है 3 डिजिट को जो ही ये ग्रुप ऑफ 3 डिजिट को ही जो है सेपरेट करेंगे हम लोग, तो 3-3 जो है डिजिट के बाद हमेशा कमा देंगे, तो कमा देने के बाद इस तरह मिला। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है ये वंस पीरियड का नंबर है, और ये जो है थाउजेंड्स पीरियड का नंबर है, और ये जो है मिलियन पीरियड का नंबर है, और स्टूडेंट्स ये बिलियन पीरियड का नंबर है, तो लिखना बहुत आसान हो गया इसको, ये बिलियन पीरियड का नंबर है तो लिखेंगे 69 बिलियन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 69 बिलियन, और ये जो है ये मिलियन पीरियड का है तो 237 मिलियन, और उसके बाद ये है थाउजेंड्स पीरियड का नंबर, तो थाउजेंड में कितना है 82, तो लिखेंगे 82,000, और लास्ट बचा 268, ये वंस पीरियड का नंबर है तो लास्ट में लिखेंगे 268। ध्यान रहे स्टूडेंट लास्ट में वंस मत लिख देना, वंस पीरियड का जो नंबर हम लिखेंगे तो लास्ट में वंस नहीं लिखा जाता। फिर जो है अगर हम सेकेंड वाले को जो है हम लिखे 296854869, तब तक हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, तुम लोग गेस करो क्या होगा 296854869296। अगर हमें जो है इसको इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में लिखना हो तो वैसे ही जो है पहले जो है 3 डिजिट के बाद कमा हम देंगे, इसमें कमा का सेपरेशन जो है कमा के द्वारा 3 डिजिट को सेपरेट किया जाता है, तो ये हो गया बिलियन पीरियड्स का नंबर, ये हो गया मिलियन पीरियड्स का नंबर, ये हो गया थाउजेंड पीरियड का नंबर, और ये हो गया वंस पीरियड का नंबर। स्टूडेंट ये जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं ये अंडरलाइन नहीं करना, ये समझाने के लिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, बट ये कॉमा देना बहुत जरूरी है, तो कॉमा से ही हम सेपरेट करेंगे अंडरलाइन जो हम समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये बिलियन पीरियड में कितना है 296, तो लिखेंगे 296 बिलियन, 296 बिलियन। फिर नेक्स्ट 854 मिलियन, ये मिलियन पीरियड का है 854 मिलियन, और उसके बाद ये है थाउजेंड पीरियड का नंबर 869 869 869 थाउजेंड, और लास्ट जो है ये वंस पीरियड का नंबर 296।
बचा ये जो नंबर, ये स्टूडेंट तुम खुद से करोगे और इसको समझ में इसकी इसी के अकॉर्डिंग और इसी के बेस पे इसको भी अच्छा से तुम लोग समझ जाओगे। और ये हो गया तुम्हारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो है हम नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, कैसे रीडिंग करते हैं, और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम वर्ड्स को नंबर को वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको रीडिंग कैसे करते हैं। ये कंप्लीट हुआ, आगे का ये जो है एक्सप्लेनेशन जो है आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।